वेलकम फ्रेंड्स, चार्ल्स डिकेंस आज का हमारा टॉपिक है मेजर विक्टोरियन नॉवलिस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं इनके बायोग्राफी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे किस तरह से बनेंगे सारे आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, मेजर विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं ये। पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि ये कौन से लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन पीरियड से और नॉवलिस्ट हैं। तो विक्टोरियन पीरियड हमारा है 1837 to 1901। एडिटर हैं ये, एडिटर थे, पोइट, नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड सोशल कमेंटेटर। बर्थ यदि इनकी है तो 7 February 1812 लैंडपोर्ट हैम्पशायर इंग्लैंड इनका जन्म स्थल है ये लैंडपोर्ट हैम्पशायर। डिमाइस की बात करें तो 9 June 1870 हाईहैम कैंट इंग्लैंड ये इनका डेथ प्लेस है। उसके बाद ही डेड ड्यू टू इज ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक से इनकी मृत्यु हुई थी। ही इज़ ब्यूरीड एट वेस्टमिंस्टर एबे, ये वर्ड आपको याद रखना है, वेस्टमिंस्टर एबे जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था। ब्यूरीड एट ऑन 14 June, 9 June को इनकी मृत्यु हुई थी बट 14 June को इनका जो है अंतिम संस्कार हुआ था 5 दिन बाद। फुल नेम जो है इनका ये क्वेश्चन बनता है, चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस, जॉन इनके फादर का नाम है तो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान रखें इनका जो फुल नेम से क्वेश्चन बन सकते हैं, चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस। एंड मदर है इनकी एलिजाबेथ डिकेंस, फादर हमारे जॉन डिकेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1824। देखिए, डिकेंस लेफ्ट स्कूल टू वर्क इन अ फैक्ट्री ऑफ वेरन ब्लैकिंग्स व्हेन हिज फादर वाज इनकार्सरेटेड इन अ डेब्टर्स प्रिजन। मोस्टली मैं एजुकेशन की जब बात करते हैं हम तो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि भाई इस स्कूल में इन्होंने एंट्री ली, बट यहाँ हम बता रहे हैं कि इन्होंने स्कूल छोड़ दिया 1824 में, क्योंकि इनके पिता को गबन के आरोप को लेकर उनको जेल हो गई थी। तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ख़राब होते हुए इस चक्कर में उन्होंने इनको फैक्ट्री में काम करना पड़ा और इसलिए इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। तो यही पॉइंट है हमारा कि इनको स्कूल छोड़ना पड़ा और फैक्ट्री में काम के इन्होंने, वॉरेन ब्लैकिंग की फैक्ट्री थी वो, शू फैक्ट्री थी, बूट फैक्ट्री थी। 1827 में फिर उसके कुछ सालों बाद इनको जॉब मिल गई सॉलिसिटर्स ऑफिस में, एक वकील के ऑफिस में इन्हें जॉब मिल गई जहाँ से इनको कुछ थोड़ा बहुत लॉ सीखने को मिले। द अर्ली लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस वॉज पास्ड इन अक्यूट पावर्टी, हार्डशिप एंड इंडेजिनिटीज। जो इनकी अर्ली लाइफ है वो गरीबी में, हार्डशिप्स और इंडेजिनिटीज़ में, घोर अपमान सहा कि पिता इनके जेल गए इस तरह से, तो उसमें बीते हैं। और 1829 बिकेम अ फ्रीलांस रिपोर्टर, और 1829 में ये रिपोर्टर बन गए थे। ही बिगेन इज लिटरेरी करियर एज अ जर्नलिस्ट, जो कि है ही हमारा पॉइंट कि इन्होंने जो अपना लिटरेरी करियर है जर्नलिस्ट के तौर पे शुरू किया था 1833 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिकम अ रिपोर्टर फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल, इन दैट कैपेसिटी ही एंटर्ड द हाउस ऑफ कॉमन्स। द मॉर्निंग क्रॉनिकल के जो बड़ा नाम था न्यूज़पेपर के दुनिया में, उससे ये जुड़ गए, उसके रिपोर्टर बन गए और इसके चलते इनको एंट्री मिल गई कहाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने की। पार्लियामेंट का लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन, और हमारे यहाँ का माने तो लोकसभा, ठीक है, इसके समकक्ष है, लोकसभा के समकक्ष है ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स। तो रिपोर्टर को तो एंट्री मिली जाती है, तो इस तरह से इनको भी उसमें एंट्री मिल गई जब ये द मॉर्निंग क्रॉनिकल के रिपोर्टर बन गए 1833 की बात है ये। दीज फॉरगॉटन एक्सपेरिमेंट्स ग्रेजुअली सेट हिम अप टू राइटिंग नॉवल्स, और इस तरह से इनको जो भी जर्नलिज्म के जो एक्सपेरिमेंट इनको मिले, एक्सपीरियंस इनको मिले, उससे इनको जो है नॉवल्स लिखने के लिए काफ़ी अनुभव मिला। 1836 में इन्होंने मैरिज, शादी किया कैथरीन होगर्ट से। एंड 1833 में, देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पब्लिश्ड हिज फर्स्ट स्टोरी आर डिनर एट पॉपुलर वॉक, इनकी जो फर्स्ट स्टोरी जो पब्लिश हुई थी आर डिनर एट पॉपुलर वॉक, कहाँ पर, एक लंदन का पीरियडिकल था ये, मंथली मैगजीन, इस मैगजीन का जो नाम है वो मंथली मैगजीन ही है, लंदन की एक मैगजीन है ये, और इसमें इनका पेन नेम था बॉस, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। वैसे तो इन्होंने, इनकी रचनाएं चार्ल्स डिकेंस के नाम से ही पब्लिश हुई हैं, बट कहीं कहीं ओकेजनली इन्होंने बॉस BOZ करके पेन नेम यूज़ किया है। तो अ डिनर एट पॉपुलर वॉक जो कि इनकी फर्स्ट स्टोरी थी, उसमें इन्होंने यही नेम से अपना पब्लिश कराई थी ये स्टोरी, लंदन की पीरियडिकल था मंथली मैगजीन 1833। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ही एडिटेड अ वीकली जर्नल फॉर 20 years, रॉट 15 novels, 5 novellas, 100 ऑफ शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन आर्टिकल्स एक्सेट्रा। इन्होंने 20 साल तक तो जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया, वीकली जर्नल, 15 नॉवल्स इन्होंने लिखे हैं, वो हम अभी कंसीडर करेंगे, आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 novellas लिखे, novellas फ्रेंड्स नॉवल का छोटा रूप होता है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज है ये,
हंड्रेड ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इस तरह से इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं। चार्ल्स डिकेंस ओकेजनली यूज द पेन नेम बॉज, ये थोड़ा आप याद रख लीजिए, इनकी कई कम रचनाओं में ये पेन नेम है, बट है बी ओ जेड बॉज इनका पेन नेम। डिकेंस लिटरेरी सक्सेस बिगेन विद 1836 सीरियल पब्लिकेशन ऑफ द पिकविक पेपर्स, जो इनकी नॉवल है, फर्स्ट नॉवल है द पिकविक पेपर्स, जब वो उसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था 1836 से, तभी से इनकी सक्सेस जो है स्टार्ट हो गई थी, वहीं से मानी जाती है। एट 25 ईयर्स ऑफ एज ही बिकेम द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज, 25 साल की उम्र में जब थे ये विक्टोरियन एज के बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट बन चुके थे। मेन वर्क्स पे आ जाते हैं, पहले तो हम इनकी 15 नॉवल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद इनका सारा अदर वर्क है वो पढ़ेंगे। तो ये सब बिल्कुल ग्रेजुअली लिखी गई है लाइन बाय लाइन। पिकविक पेपर्स 1836 एपिसोडिक नॉवल, फर्स्ट नॉवल है इनकी। सीधा क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस पिकविक पेपर्स, एंड पिकविक पेपर्स किसका है? चार्ल्स डिकेंस का है। इनके जो नॉवल्स थे वो इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुए थे, मंथली वे में आती थी जो नॉवल्स की कहानी होती थी, और जैसे कि इस महीने आ गई फिर अगले महीने आगे की कहानी कंटिन्यू होगी लाइक दिस। एंड ओलिवर ट्विस्ट नंबर 2, निकोलस निकलवाय नंबर 3, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप नंबर 4, 1814 का आप सन भी देखते चलें, बर्नाबे ब्रज, ये 1841 में आया था इनका फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल है। मार्टिन शिज़लेविट 1843, डोम्बे एंड सन 1846। उसके बाद हमारे हैं डेविड कॉपरफील्ड 1849, ब्लेक हाउस 1852, हार्ड टाइम्स 1854, लिटिल डॉरेट 1855, इसकी थीम है ये द लॉस डिले, द टेल ऑफ टू सिटीज 1859, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसका वर्क है? चार्ल्स डिकेंस का है, 1860 में है ये पब्लिकेशन इसका। एंड अवर म्यूचुअल फ्रेंड 1864, ये इनका लास्ट कंप्लीटेड नॉवल है, देखो लास्ट नॉवल है तो वो एडविंट रूड है, क्योंकि इनका अनफिनिश्ड रह गया था, ये 15वां नॉवल है एडविंट रूड। और जो इनका द अवर म्यूचुअल फ्रेंड है, क्वेश्चन बनेगा लास्ट नॉवल कौन सा था? एडविंट रूड, बट लास्ट कंप्लीटेड नॉवल अवर म्यूचुअल फ्रेंड, और ये जो है इनकम्प्लीट क्यों रह गया था? अनफिनिश्ड बिकॉज ऑफ इज डेथ। ओके, अदर इम्पॉर्टेंट वर्क अब जिनके सारे हैं, जो भी इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो भी कलेक्शंस ऑफ ऐसे, सब देख लेते हैं हम। स्केचेज ऑफ बॉस 1836, कलेक्शन ऑफ ऐसे अमेरिकन नोट्स 1842, पिक्चर्स फ्रॉम इटली 1845, द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये इनकी रचना 1854 में पब्लिश हुआ था, बट इसके बारे में प्रोफेसर सैंडबेरी ने बोला है कि ये जो है इनका ओनली वर्थलेस बुक है। ठीक है, बाकी तो इनका अच्छे हैं इनकी सारी रचनाएं, बट इसको वर्थलेस बुक किसने बोला है? प्रोफेसर सैंसबरी ने। किसको? द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द अनकमर्शियल ट्रैवलर 1861, आ बेटर बॉस। नेक्स्ट है क्रिसमस कैरोल्स 1843, एंड अ चाइल्ड ड्रीम ऑफ अ स्टार 1850, अ बैटल ऑफ लाइफ 1846, द चाइम्स अ गोब्लिन स्टोरी आ क्रिसमस ट्री। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डॉक्टर मैरी गोल्ड्स प्रिस्क्रिप्शन 1875, अ फ्लाइट 1851, फ्रोजन डीप 1857, ये जो इनका रचना है वर्क है फ्रोजन डीप 1857 में पब्लिश हुआ है, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस एंड विकी कॉलिंस। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि विकी कॉलिंस की कोलाब्रेशन में इनकी कौन सा वर्क है? फ्रोजन डीप। जॉर्ज सिल्वरमैन्स एक्सप्लेनेशन 1868, गोइंग इन टू सोसाइटी 1858, द हॉन्टेड मैन 1848, फिफ्थ ऑफ क्रिसमस नोवेलास। एंड अब देखिए ये सारे इनके इम्पोर्टेंट वर्क जो हमने इनके कंप्लीट किए, उसके बाद देखते हैं हम एक पॉइंट द हॉली ट्री, हॉन्टेड डाउन, द लॉन्ग वोएज 1853, अ मैसेज फ्रॉम द सी, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इनका, जिसमें से फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ चैप्टर जो है इन्होंने विकी कॉलिंस के कोलाब्रेशन में लिखा है। नोबडी स्टोरी, टॉम टिडलर्स क्राउन, रैक ऑफ द गोल्डन मैरी, द अनकमर्शियल ट्रैवलर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, जो इनके बारे में कोटेशंस क्या बोले हैं देखते हैं। डब्ल्यू एच हडसन बोलते हैं हिज नॉवल्स बिलोंग एंटायरली टू द ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट ऑफ द विक्टोरियन एरा, इनकी नॉवल्स के बारे में डब्ल्यू एच हडसन ने ये बोला है, हिज नॉवल्स बिलोंग्स एंटायरली टू द ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स ऑफ द विक्टोरियन एरा,
विक्टोरियन एरिया का जो भी मानवतावादी आंदोलन हुआ था उससे इनके नॉवल्स बिलोंग करते हैं। जॉर्ज सैमसन ने क्या बोला है, द ग्रेट ह्यूमरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी काउंटेड ऑन द फिंगर्स ऑफ अ हैंड एंड डिकेंस इज ऑफ दैट चॉइस कंपनी। एडगर जॉनसन हैज़ रिटन द बेस्ट बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो इनके बायोग्राफर कौन है, एडगर जॉनसन है जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है चार्ल्स डिकेंस इज ट्रेजेडी एंड ट्रम्प। डिकेंस ओन नेम वाज कंसीडर्ड क्वेर बाय अ कंटेम्परेरी क्रिटिक। इनके एक कंटेम्परेरी क्रिटिक ने इनको क्वेर करके कंसीडर किया है। चार्ल्स डिकेंस वाज रिगार्डेड एज द लिटरेरी कॉलेजेस ऑफ हिज एज। ठीक है, इनको लिटरेरी कॉलेजेस ऑफ हिज एज माना है चार्ल्स डिकेंस को, यानी कि प्रकांड व्यक्ति, प्रकांड साहित्य का व्यक्ति ऐसा करके इनको संज्ञा दी गई है। हिज नॉवेल्स वर करेक्टराइज बाय रियलिज्म। मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जो है इनकी डेविड कॉपरफील्ड है, ये जो इनका वर्क है 1849 में पब्लिश हुआ था, तो डेविड कॉपरफील्ड, ये क्वेश्चन बनता है, इनकी मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये। एंड चार्ल्स डिकेंस सेड अबाउट हिज नॉवल डेविड कॉपरफील्ड, आई लाइक दिस द बेस्ट। ये बात इन्होंने किस नॉवल के बारे में कही है, डेविड कॉपरफील्ड के लेकर कही है, और क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी है तो इन्होंने इसके बारे में खुद कहा है चार्ल्स डिकेंस ने, आई लाइक दिस द बेस्ट। टी एस एलियट कंपेयर डिकेंस विद शेक्सपियर इन मेकिंग अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड। टी एस एलियट ने इनकी तुलना शेक्सपियर से कर दी है, किस विषय में, जैसे कि शेक्सपियर के चरित्र जो होते थे, कैरेक्टर होते थे, बिल्कुल जीवंत लगते थे, वही चार्ल्स डिकेंस के लगते हैं। हिज नॉवल्स पब्लिश्ड इन मंथली इंस्टॉलमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। इनके जो नॉवल्स हैं वो मंथली इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुई हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में। ही लव्ड थिएटर ओरिजिनली वांटेड टू बी एन एक्टर। ये क्वेश्चन चार्ल्स डिकेंस से बनता है कि ये लव थिएटर को लव करते थे, थिएटर पसंद करते थे और ये एक्टर बनना चाहते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चार्ल्स डिकेंस डीपली अटैच्ड टू हिज डॉटर मैरी, ही सा हर एज द पर्सनिफिकेशन ऑफ गुडनेस एंड इनोसेंस। ये अपनी डॉटर मैरी से बहुत ही ज़्यादा अटैच थे। इन ऑलिवर ट्विस्ट नॉवेल डील्स विद द डिग्रेडेशन एंड सफरिंग ऑफ द पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउसेज। एंड लास्ट पॉइंट हमारा है, 60 हार्ड टाइम्स नॉवेल डील विद द लाइफ ऑफ अ सर्कस चाइल्ड नेम सिसी ज्यूब। जो उनका हार्ड टाइम नॉवेल है उसमें एक सर्कस चाइल्ड जिसका नाम सिसी ज्यूब है उसकी लाइफ के बारे में बताया गया है, और ओलिवर ट्विस्ट में गरीबों की क्या कंडीशन थी उस समय वो बताई गई है। तो ये हमारे आज के चार्ल्स डिकेंस के 60 पॉइंट कंप्लीट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, ये इंग्लिश लिटरेचर जो भी है जिसका सब्जेक्ट है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।